वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी सुबह सुबह मम्मा ने हमें उठा दिया है, आज इतनी जल्दी उठा दिया है रिया और मुझे वोटर आई डी। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, पर हाँ मम्मा ने हमें 2 घंटे पहले दिया था। हम लोग जा रहे हैं अपना वोटर आई डी कार्ड बनवाने के लिए, बिकॉज आज वोटर आई डी कार्ड बनेगा हमारा। जो आ गए हैं हम रिया के स्कूल में, मजाक कर रहे हैं। ये यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे वोटर आई डी कार्ड बन गया, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। स्कूल देख के बचपन की यादें आ जाती हैं। इतने यूजलेस मम्मी पापा है हमारे, नींद खराब कर दी यहाँ के। वो कह रहे हैं ऑनलाइन अप्लाई कर दो, हाँ हम ऑनलाइन तो कर नहीं सकते थे जैसे घर पे। इसके लिए ये मम्मी पापा की सारी साजिश होती है, हमें सुबह जल्दी उठाने के आए, नो दैट वो हमसे जलते कि हम सोते हैं और उनको सुबह 3-4 बजे उठना पड़ता है ना, उनको ये नहीं दिखता मैं 6 बजे सोती हूँ। मेंटल ना हो तो दोनों के दोनों। अब इतनी मेहनत जो हमसे कराई उसके लिए हमें रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। ये रहा रिवॉर्ड, जूस वाला हमने लिया है, मिक्स फ्रूट जूस स्मॉल 50 वाले दो। ऑनलाइन वोटर आई डी बोतल कितने पागल हो सकते हैं किसी के मम्मी पापा। गुस्सा है, सुबह सुबह नींद खराब कर दिया जो इतनी, वो भी चलो आप कितने दूर आना पड़ा, ये नहीं बोल रहे स्कूटी पे छोड़ाता हूँ तुमको या रिक्शा पे छोड़ाता हूँ। सुबह सुबह हाँ ये पता ही था कि इतने दिनों से मैं जो 2 बजे उठ रही थी उसकी स्टिक ब्रेक हो गई। उसको देखो अलग सिफारिश लगा रहा है भगवान से बैठ के। ये देखना कैसे से तो आधार कार्ड आते हैं, मेरी सारी देर जुड़ गई कार्ड के ऊपर से, खाली है पर्ची पे आ गए सारी इन्फॉर्मेशन। आ गए अपने जूस, हाँ मुझे इतना बुरा नहीं लगा, कड़वा लग रहा है मुझे तो। मैंने एक बार रोटी खा ली है, तुम सुबह उठ के ब्रश करती है या जूस पी के भी यही होगा। अच्छा है सब्जी क्या हो गया, मेंटल पागल क्यों मर गया आप, वो मेंटल पागल क्यों क्या हो गया। उन्होंने बोला ऑनलाइन अप्लाई करो, बोलने सारी नींद खराब कर रही है, कहाँ से आयो आप दोनों अजीब से प्राणी। अच्छा उठाया तो आप ही ने था, मेरे को क्या लेना देना, पसरी रहती है बस पूरे दिन। आप बोलते हो मेहनत है, ये मेहनत है शराब। देखो शॉप के बाहर मम्मा ने ये लगाया, कुछ नहीं करती सकती पूरे दिन आ रही है। फाइनली सीटी मासी अपनी उम्र के काम करने लग गई। शोभा ने लिखा था ना कल, क्या लिखा था, सर्दियों में इतने काम आ गए, मेथी छिलना पालक करना, इंस्टाग्राम कब चलाएंगे। कोई नहीं ये काम करो आप, इंस्टाग्राम चलाने की उम्र गई अब। अच्छा सीधी बात नो बकवास। रिया का बर्थडे आ रहा है, हम लोग आए पार्लर में थोड़ा सा काम कराने के लिए। अच्छा तू व्लॉग बनाने लगी हुई है। यप और क्या बना रही हूँ, बता दे सही लग रहे हो, बढ़िया लग रहे हो, बढ़िया लग रहे हो या बुढ़िया लग रहे हो। बढ़िया मेरे बढ़िया बोले आपको बुढ़िया सुनाई दे रहे हैं। मम्मी और मासी सबका सेम हाल होते जा रहे हैं। हाँ मम्मी के भी कान खराब होते जा रहे हैं आपके भी। एंड इट्स कटिंग टाइम विद रितु पावर। लेयर कट कर यार, अटके पड़े हैं इतने बाल मेरे, मेरे बहुत जल्दी अटक जाते हैं। अभी घर पे तो सो जा के आई हूं, अटके पड़े हैं क्या करें।
बैठे बैठे काट दो, मेरे खड़े खड़े बैठ बैठ के काटेंगे, खड़े क्यों होएगी, बड़े हो गए ना बाल मेरे कितने ज्यादा। फिर दोबारा तो शिबू शादी नहीं करनी, कट कट कराया नहीं, कराने थे लंबे रखने थे, आगे से भी नहीं करना था। शिव की शादी में ना मैंने थ्रेडिंग कराई, ना वैक्सिंग कराई, कुछ कराया क्या रह गया मेरा कराना सब कुछ। हमारी नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी। थ्रेडिंग कराया तो बहुत टाइम हो गया, मैं अब तो लिप्स भी नहीं कराई। मार्केट में दो लोगों गोलगप्पे खाए, गुजरात के सामने वाली जो गली है ना, वहाँ पे मैंने अपनी स्कूटी खड़ी कर रखी थी, मैं वहाँ चली गई। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरे को खुशी कहाँ आएगी, मैंने देखा है पापड़ी ले रही है भैया से, पापड़ी ली, ओढ़ी, बहुत खुशी खुशी ऐसे चलते चलते आ रही है, मस्त दिखाते हुए मेरे को ये ऐसे आ रही है। भैया ने आजकल बड़ी मस्त पापड़ी बना के दी थी, यहाँ चलते हुए आ रही है, सामने से अंकल आए चल रहे थे, वो ऐसे ऐसे बहुत तेज तेज चल रहे थे, उन्होंने उसको धक्का मार दिया, देखने में मतलब ऊपर से उन्होंने येलो येलो स्प्रिंकल करके दिया था और सेव डाल के मसाला अच्छे से, और गोलगप्पे में दिया था, पापड़ी में नहीं दिया था, कल इतना बढ़िया लग रहा कल देखने में, इतना मेरे दोनों गोटे छिल गए हैं, मेरा पजामा फट गया होता ना, मैंने बोला मैंने कहा शर्म नाम की चीज नहीं है क्या, क्या तो मेरी ये बोलती थी, मैं तो नीचे देख के चल रहा था, और मैं गोलगप्पे को देख के चल रही थी, और मैं तो हंस रही थी, मैं तो इतना हंसी हूँ ना, जब कुछ भाई मेरा पजामा फट जाता ना मैं तब सुना देते उनको, या मेरा फोन मेरे हाथ में होता तो सुन जाते वो, अभी गोलगप्पा गिरा था तो मैंने चलो फिर छोड़ दिया, मैं गोलगप्पे को भी जाने का पूरा ट्राई किया था मैंने, पर वो हुआ नहीं है, तो फिर और गोलगप्पा लेने गई होगी जरूर, नहीं मैं आंसू आ गए थे ना गोलगप्पा तो वापस आई, ये बेचारी गम के मारे, अब वो वापस देता थोड़ी, भैया को क्या पता गिर गया मेरा गोलगप्पा, नहीं वो तो तेरे पे इतना तो यकीन कर ही लेता, अरे उनको दिखा देती अपने हाथ में मिट्टी, ये गिर गई, ये तो चोट लग गई, देखो दस दस बार कौन चलानी पड़ रही है, करवा लिए बाल कट एंड कौन है और क्या तमीज है, वाह नानी के घर में वैसे हमेशा ये सब चीजें चलती रहती हैं, सो प्रीटी। अब वी आर गोइंग रिया की बर्थडे शॉपिंग के लिए इन सेंस, बिकॉज वहाँ कुछ ना कुछ हमेशा मिल ही जाता है, तो सबसे पहले शॉप हमेशा इन सेंस होती है हमारी, कराए रिया कपड़े उठाए बट उसे पसंद नहीं आया कुछ, मम्मी को बोला मम्मा सो रही है, अरे लेके तो अंदर से कपड़े, मैं इसको कह रही हूँ ये ट्राई कर, इतनी सुंदर है, ये कर नहीं रही है ट्राई, बर्थडे वाली वाई वाई की पूरी, बर्थडे शड्डे वाई वाई बर्थडे शड्डे, ये टॉप पसंद आ रही है, ये टॉप मुझसे अच्छी है, मम्मा एग्री करती है या नहीं, मम्मा को सेंड किया, घर जाएंगे पसंद आएगी तो शाम को लेने आएंगे, एंड इट्स जिम टाइम।
अगेन खन्नू आया मेरे को लेने। हाँ भाई आज बहुत मेहनत कर ली जिम में, कार्डियो करा दिया भर भर। सो आज जिम के बाद हेल्दी खाना खा रही हूँ मैं, ये सोया भुर्जी बाइस। आज जिम के बाद स्वाद हो गया, जिम में स्वाद आता है, और क्या। सर कुछ सर को कुछ भी बोलो ना, सर बोलते हैं कि अभी तो तेरी स्टोरी देगी थी खाने की, तो काम कर लिया कर जिम में थोड़ा बहुत। तो गलत है, सर को अपनी आईडी में तो ले रखा है ना। लेट नाइट स्नैक्स विद रिया वर्मा, गीपी मैगी बनाई है। रिया वर्मा तो खुशी वर्मा खुशी ने बनाई ना, तो खा तो तेरे साथ रही हूँ। विद रिया वर्मा बोलूंगी ना,